करने का, क्या जरूरत था इस तरह के कार्यक्रम करने का, क्यों जरूरत हुआ आप सोचिए। लोकतंत्र के प्रहरी में आपने जिसको चुनकर भेजने का काम किया, आज आपके बीच से आपके जनमत को दगा देकर भाग जाने का काम किया। आज उसके चलते उसी के चलते अध्यक्ष जी के आदेश पर एक कार्यक्रम करने के लिए सब हम लोग भी सब उपस्थित हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व हमारे अशोक भाई किए, सब हम लोग साथ मिल के काम करने का, काम करने की तैयारी के साथ काम किए। लेकिन सोचना होगा वक्त की नजाकत को पहचानिए आप लोग। इस विक्रम की ऐतिहासिक धरती पर अभी चर्चा कर रहे थे अशोक भाई, 20 से 25 साल हो गया, 30 साल हो गया। 80 के दशक से पहले खदरन बाबू यहाँ का एमएलए हुआ करते थे, विक्रम के लिए दर्द था उनको, तब यहाँ जब बंगला का निर्माण हुआ, लाइब्रेरी का निर्माण हुआ, सब जगह का निर्माण हुआ, उसके बाद उन्होंने चर्चा किया कि बाद के एमएलए चाहे जहाँ का भी हो, जो लोग भी आए, एक एमएलए आपके साथ हमारे बड़े भाई बैठे भी हुए अनिल भैया, लेकिन विक्रम यह ऐतिहासिक जगह उपेक्षित रहा, कहा एक डग बंगला का भी निर्माण नहीं हो सका है। उन्होंने सही कहा, ट्रामा सेंटर की बात कहो, सिंचाई की बात करो, कृषि भवन की बात करो, कृषि फार्म की बात करो, ये बात से सब तुमने सही सवाल उठाया है। लेकिन कहना होगा कि जब राम राज की बात हुई थी, लंका फतह की बात हुई थी, सीता हरण के बाद हनुमान को जगाया गया था, सुना था समुद्र लांघन कौन करेगा, समुद्र पार कौन करेगा, माता सीता का पता कौन लगाएगा, उस समय तय हुआ हनुमान को जगाया गया और सोए हुए हनुमान की ताकत आप लोग हो, जिस दिन जाग गए विक्रम की ऐतिहासिक धरती जाग जाएगा, विक्रम का जो सवाल है जो जवाब उसके साथ, तो सवाल का जवाब ही मिलने का काम होगा। आज इस तरह के परिवेश में, इस तरह की व्यवस्था में, जिसका कोई कैरेक्टर नहीं, जिसका कोई चरित्र नहीं, गांव कस्बे में कहीं कोई पहचान नहीं, गांव कस्बे के लोग में कोई विक्रम के विधायक सिद्धार्थ सौरभ के खिलाफ निकाली गई धिक्कार रैली, क्या कुछ बोले कांग्रेस नेता। विक्रम स्थित द कबंदिया में कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुक्रवार को धिक्कार रैली का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस धिक्कार रैली का मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह रहे। इस रैली में की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अशोक गगन ने किया, इनके साथ डॉक्टर सकी अहमद और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित रहे। बता दें कि धिक्कार रैली का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के विधायक सिद्धार्थ सौरभ के खिलाफ निकाली गई है, जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर पार्टी और विक्रम की जनता के साथ धोखा किया है, वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। विक्रम की जनता इनको अच्छी सबक जरूर सिखाएगी। वहीं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और डॉक्टर सकी अहमद खान ने विधायक का काला चिट्ठा खोलते हुए सारी सच्चाई विक्रम की जनता के बीच रख दिया। उन्होंने कहा कि इस धिक्कार रैली के बाद विरोधियों की नींद हराम हो जाएगी। चलिए आगे क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों ने। मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, विधायक दल के नेता सकी अहमद खान जी, यहाँ इस कार्यक्रम के आयोजक भाई गगन जी, जिला अध्यक्ष भाई सनी जी, जिला अध्यक्ष ट्रस्ट था, पूरे क्षेत्र बदलाव के मूड में था, पूरा क्षेत्र चाह रहा था बदलाव हो, लेकिन लोग संशय में था कैसे बदलाव होगा, लोग टेंशन में था कैसे बदलाव होगा, लेकिन विक्रम की जनता का जो भावना था, उस भावना को कांग्रेस पार्टी ने आगे करने का काम किया। मैं अपने आदरणीय अखिलेश भाव से कहूंगा, विक्रम के भावना को आपने आगे किया और जो बदलाव चाह रहा था उसमें आपका आपने अहम भूमिका किया। विक्रम की जनता याद रखेगा, इतिहास में आपका याद नाम याद रखेगा कि आपने बदलाव में आपका अहम भूमिका रखा। मैं भी लगातार 20 साल सेवा किया हूं और 20 साल में लगातार पद पर रहा, 85 से 90 तक मैं प्रखंड अध्यक्ष था, नीचे से मैं बढ़ा और 90 से 95 तक मैं जिला का उपाध्यक्ष था और 95 से 2000 जिला अध्यक्ष का निर्माण जाते होता है, जिसमें एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हमारे आदरणीय राजकुमार राजन जी, इनके समय में कैसा मेरा काम रहा पूछ सकते हैं। 10 साल में रहा, लगातार 20 साल में सेवा किया, लेकिन उस समय जब मैं हमको टिकट नहीं मिला और जनता का इतना इच्छा था
कि मैं विधायक बनूं, लोगों का सेवा करूं। जनता के चाहने के कारण मैं लोजपा पार्टी से चुनाव लड़ा पहली बार, और जो लोजपा पार्टी से चुनाव जीते से कम वोट आता था, हारने लगे तो ज्यादा वोट आने लगा। 20 में भाजपा पार्टी मुझे धोखा दिया, मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन विक्रम की जनता सबसे ज्यादा वोट दिया मुझे 2020 में, पिछला चुनाव सबसे ज्यादा वोट, 5 चुनाव में सबसे ज्यादा वोट है विक्रम की जनता ने जो किया। मैंने कभी सपना नहीं देखा था, मैंने कभी सपना नहीं किया था कि विक्रम की जनता इतना बड़ा मुझे सम्मान देगा। सबसे ज्यादा वोट तरीका से प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, समय कम है, कैसे मजबूती प्रदान करेंगे कांग्रेस को? सबको जोड़ेंगे, जो जुड़ा हुआ है उससे भी मिलेंगे, और नए यंग लड़के से मिलके उन लोगों को भी जोड़ेंगे अपने साथ। क्या पार्टी को विक्रम में मजबूती दिलाएंगे? मजबूती मजबूत अभी है और मजबूत बनाएंगे। जिस तरह से विक्रम में गगन जी करे, अगला बार लोकसभा में ही आपको दिखा देंगे कि हमारे क्या ताकत है विक्रम में, युवाओं में। आपके ही पार्टी के विधायक विपक्ष में अब चले गए हैं, आपसे कितना आपके बीच में रोड़ा साबित हो सकते हैं? जीरो जीरो। दो बार विधायक रहे हैं आपको, महागठबंधन से रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं। आप जिला कांग्रेस, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विक्रम में दम दिखाया अशोक गगन जी के नेतृत्व में। जी, ये तो आप लोगों ने देखा कि एक बहुत ही कम समय में अभी माननीय विधायक सिद्धार्थ सौरभ जी कांग्रेस पार्टी छोड़ के 10 दिनों पहले ही बीजेपी में गए, और 10 दिनों के अंदर ही आप लोगों ने देखा कि 8 से 10 हज़ार के करीब हमारे साथी लोग आए, और ये विक्रम प्रखंड, विक्रम विधानसभा के विक्रम प्रखंड में हम लोगों ने ये तब हफ्ता दिनों के अंदर ये बहुत ही बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, और ये दिखाता है कि विक्रम के विधायक वो महागठबंधन के वोटों से विधायक बनते थे, ना कि उनकी कोई व्यक्तिगत अपनी छवि थी। और आप लोगों ने अभी ये सवाल किया, तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो माहौल है विक्रम विधानसभा के अंदर, तो पिछला बार विधायक और सिद्धार्थ सौरभ जी 35,000 से जीते थे, इस बार 65,000 से हारेंगे, ये लिख के रख लीजिए, ये जिला अध्यक्ष का दावा है। सुमित कुमार सनी, जिला अध्यक्ष पटना ग्रामीण कांग्रेस। 65,000 से हराएंगे जी, उससे ज्यादा मतों से, आप लिख के नोट कर लीजिएगा, चुनाव के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी साथियों को और यहाँ के नेताओं को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जो धिकार रैली आयोजित हुआ था, सिद्धार्थ यहाँ के जो विधायक इधर से उधर चले गए भाजपा में, उनके खिलाफ उसको उन्होंने सफल बनाने का काम किया, और हम लोग ये एश्योर करके यहाँ के साथियों को जा रहे हैं कि हर जहाँ भी इस तरह का ज़रूरत पड़ेगा हम लोग आएंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। आने वाला लोकसभा चुनाव में विक्रम चूंकि संवेदनशील जगह है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ मुक्की खानी पड़ेगी, यहाँ पराजित होना पड़ेगा, यही कह के हम लोग यहाँ से जा। सर, क्या उपचुनाव भी जैसे माहौल, क्या विक्रम निश्चित रूप से उपचुनाव होना है, हम लोगों ने दिया है अध्यक्ष को, हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन उसी दिन कहा था कि 1 किलोमीटर पर पटना हाई कोर्ट है, 2-4 दिन में उसका ये पूरा होगा, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग कोर्ट। सर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार है? पूरी तरह तैयार है, कांग्रेस पार्टी कोई आज की पार्टी 138 साल पुरानी पार्टी है। गगन जी को कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे जो इतना सफल कार्यक्रम? गगन को ही जिम्मा था इस आयोजन का, मुख्य कर्ता धर्ता तो यही था, इनको विशेष धन्यवाद। क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद देना चाहेंगे गगन जी, जिस तरह से आज सफल रहा आप लोग का कार्यक्रम। वह मत है राहुल गांधी का, वह मत है डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का, वह मत है सामाजिक न्याय की योद्धा लालू प्रसाद जी का। ये बात स्वीकारना पड़ेगा, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा कि महागठबंधन का मत है, और महागठबंधन के मत से जीतकर वो एकाकी बने फिरते हैं, सहनशाह बने फिरते हैं, तो उनके भ्रम का शिकार जो है उनका भ्रम आने वाले चुनाव में मिट जाएगा, आने वाले चुनाव में मिट जाएगा। और मैं एक बात ऐतिहासिक रूप से कहना चाहता हूँ मित्रों, कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो विक्रम के अंदर लोगों को खरीद ले, विक्रम की ऊर्जा को खरीद ले, विक्रम को युवाओं का सौदा कर ले। कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि हमारा पति है, करोड़पति है, और आकर विक्रम की जनता को खरीद लेंगे। अरे कोई माई का दूध नहीं पिलाया है जो विक्रम की जनता को खरीद लेगा। ये विक्रम की जनता स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा पोषित है, बाबू खदेरन सिंह के आदर्शों पर चलने वाली है, और विक्रम की जनता को जो खरीदने का भ्रम पाले हुए हैं उनका भ्रम नष्ट हो जाएगा। विक्रम की जनता स्वाभिमानी जनता है, विक्रम की जनता अपने आदर्शों पर, विचारों पर अडिग है, और आदर्शों और विचारों पर अडिग रहकर एक एक का जम
जवाब देगी। इन सारे जो कप्पे खेती करने वाले हैं, ये भ्रष्टाचार की खेती करने वाले हैं, इनको करारा जवाब। जो 36 पंचायत जो भ्रमण किए अध्यक्ष जी का निर्देशानुसार इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, तो हमने पाया क्या क्या मूल समस्याएं हैं जनता के बीच में। पहले भी हम सुनते रहे, लेकिन इस बार कॉन्क्रीट हमने सोचा कि आगे आने वाला वक्त में इस पर हम लोग कैसे अपना एक्शन प्लान तैयार करेंगे और आगे इसको हम लोग एक्सक्यूट करेंगे और करवाएंगे, उस पर भी हमने किया है, बताऊंगा। अभी महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से हमारे सम्मानित मतदातागण ने जो महागठबंधन जो प्रत्याशी सिद्धार्थ सरोज जी वर्तमान में जो विधायक है, जो आज से लगभग 15-20 दिन पहले उन्होंने महागठबंधन छोड़कर के और साम्प्रदायिक ताकतों के साथ जाना स्वीकार किया, किस लोभ में गए, किस लालच में गए, हमसे बेहतर आप सब जानते हैं, या किस डर से गए, किस भय से गए, ये भी आप जानते हैं। ये राजनीति है, इसमें वक्त बदलते रहता है, हम लोग समझते हैं। सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और शीर्ष नेतृत्व लड़ाई लड़ रहा था, वहां हमारा आपके मत से जीता हुआ, आपके माध्यम से चयनित, आपके द्वारा ताकत दिया हुआ विधायक भाजपा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के हाथों खेलता है इस चंद मुट्ठी भर दाने के लिए। लोग अड़पति खड़पति लोगों को कहते होंगे, मैं नहीं जानता हूं कौन अड़पति है खड़पति है, सबसे अड़पति आप हैं। इस विक्रम की आराम है, 3.75 लाख जो आप सब जो मतदाता हैं, आप सबसे बड़ा अड़पति है खड़पति है, आप ताकतवर हैं, आपके हम जानते हैं। लगातार लोग अलग पलट हो रहा है, ये वक्त अलग पलट का नहीं है, ये वक्त है उसको करारा जवाब देने का कि आपने मत दिया है, हम आपके साथ हर बूथ पर आपके साथ खड़ा है, आपको ताकत देने के लिए, कहीं आपको कोई कठिनाई होगी हम आपके साथ हैं। जो आज 25 वर्षों से यहाँ विशिष्ट अवस्था में है, कई जनप्रतिनिधि आए, डबल इंजन की नकली सरकार के कई विधायक हुए, कई सांसद हुए, किसी ने उस पर काम नहीं किया। लोग कहता है कि अस्पताल में जाकर के, अरे अस्पताल में जनप्रतिनिधि का काम है मिलना, अरे विशेष प्रतिनिधि पर परिवार कुछ लोग जाता है, जनप्रतिनिधि का काम है अस्पताल बनाना, एपीएससी को ठीक करना, सीएससी को ठीक करना, रेफरल हॉस्पिटल को ठीक करना, ट्रामा सेंटर को ठीक करना, उसके लिए उसको पॉलिसी बनवाए, अस्पताल में जाकर के क्या मिलेगा भाई, मिलना है उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइडर का काम करिए और उसको एक्सटेंशन करिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे कांग्रेस में सरकार के द्वारा जो ये करवाया गया था एनआरजे प्रोग्राम के तहत, वो करना, उस पर काम नहीं हुआ है, ये बड़ी घोर निंदा का विषय है। अध्यक्ष जी के माध्यम से इस पर कार्रवाई हो, यहाँ आहार नहर, ये किसानों का, ये समृद्ध किसान प्रदेश क्षेत्र है, ये किसानों ने बहुत उन्नत तरीका से यहाँ खेती करना बहुत पहले से, आपके भी आपके गांव से ज्यादा हम लोगों के यहाँ मजबूत धान की खेती, यहाँ खेती हुआ करती थी, तो नहर के पानी आप लोगों तक पहुँचता है। यहाँ का यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने इस पर कभी कोई काम नहीं किया, जो आहार पोकर नहर संरक्षण से संबंधित जो काज हो रहा था उस पर कभी कोई काम नहीं किया गया, या कुछ थोड़ा बहुत काम भी हुआ तो वो बहुत मिनिमम रहा। हम इसकी भी घोर निंदा करते हैं कि आने वाला वक्त में इस पर हम लोगों को काम करना है और हम लोग दुरुस्त किए जाने और किसानों की किसान प्रभावित तो नहीं हो, इस पर भी हम लोग को काम करने का जरूरत है। इस काम में केंद्र और प्रदेश के तमाम नेताओं की उदासीनता लगातार बनी रही है। विक्रम में अंग्रेजों के समय का एक एयरपोर्ट है, यहाँ की मिट्टी जो है वो कठोर मिट्टी है, जो हवाई जहाज जैसे प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज जो जहाँ लैंड करता है उसके लिए जो स्ट्रेंथ जो चाहिए वो स्ट्रेंथ हमारे विक्रम के मिट्टी में है, जहाँ की हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बनवा सकते हैं। हम निश्चित तौर पर आपसे आग्रह करेंगे कि आगामी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर अंग्रेज के समय में एयरपोर्ट हुआ करता था, वो एयरपोर्ट पुनः उसको चालू करवाने के लिए आप बिहार से क्रांतिकारी किसानों की आवाज, राज्यसभा के सदस्य, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का इस ऐतिहासिक धरती पर हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करते हैं।
विक्रम के क्रांतिकारी साथियों द्वारा जेएनयू की राजनीति से निकले छात्र राजनीति में अपनी एक अहम भाई, भाई सकील अहमद खान जी का इस ऐतिहासिक धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस मंच पर हम बड़े भाई और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे राजकुमार राजन जी, हमारे साथी महानगर के अध्यक्ष सती जी, हमारे लखीसराय विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और लखीसराय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई, इसी प्रलोभन के साथ आपके 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 मत पर मत को समाप्त करके चला जाता है वो। इसलिए इससे बचना होगा हम लोगों को, फिर नौबत नहीं आए। इसलिए ये आगाज उन्होंने किया है, इसलिए कहता है नौजवान आपके साथ कि पत्ते जख्म भरे हैं दर्द डाली डाली है, पत्ते जख्म भरे हैं दर्द डाली डाली है, ऐ चमन तू ही बता कौन तेरा माली है। अरे जिस बागीचे का रखवाला, जिस बागीचे का माली, जिस जगह का रखवाला, अगर वो कोई अपना नहीं होगा, कोई बाहर वाला अगर आपका नेतृत्व करेगा, बाहर वाला रखवाला होगा, तो दुर्दशा झेलना होगा आपको। आपके लिए उसका दर्द नहीं होगा, आपके लिए उसको दर्द नहीं होगा। आज देखिए पूरे प्रदेश में हमारे अध्यक्ष क्रांतिकारी अध्यक्ष पूरे प्रदेश में एक नए ऊर्जा के साथ, नए आशा के साथ, नए किरण के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, महागठबंधन के लिए काम कर रहे हैं। श्री बाबू के नेतृत्व, श्री बाबू की लगातार जयंती में विक्रम से लगातार लोग जाते रहे, श्री बाबू के कर्म पथ पर चलने के लिए इन्होंने प्रयास किया, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है, बिहार चलता है पटना से, पटना चलता है विक्रम से, किसी भी कार्यक्रम में विक्रम का सहभागिता होता है तो हमारा भी कर्तव्य है और दायित्व है कि हम लोग भी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करें और वैसे मजबूत साथी को एक बार ऐतिहासिक धरती से आवाज देकर मजबूत करने का काम करें कि पटना से दिल्ली तक आवाज जाने का काम हो। वक्त कम है मेरे मित्रों, बातें बहुत है, कार्यक्रम लगातार चलेगा, इसके लिए भी धन्यवाद है। तो लगातार दो दो कार्यक्रमों में बरवाई मिलन समारोह किया, अशोक गगन भैया ने अधिकार रैली का कार्यक्रम किया, आगे भी रैलियां कार्यक्रम विक्रम होते रहेंगे। इसके लिए भी कांग्रेस के नेतृत्व का अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहते हैं, विधायक दल नेता जी को बधाई देना चाहते हैं कि 10 साल में कांग्रेस का है मिले तो जरूर रहा अध्यक्ष जी, कोई एक कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी नहीं हुआ, इसके लिए भी कांग्रेस के लिए आप लोग कार्यक्रम करा रहे हैं, इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। आज जो जरूरत है गांव कस्बे में रहने वाले दबे कुचले शोषित समाज, शिक्षा सुरक्षा समान, रोटी कपड़ा मकान, गांव के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति के बीच पहुंचाने की अगर कहीं सोच था तो कांग्रेस का नेतृत्व का सोच था आजादी के बाद से देखिए, और जब तक कांग्रेस सरकार में रहा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। पीएमकेएसवाई की बात करो कौन दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया।